आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज की हड़ताल को प्रशासन ने उस समय विफल कर दिया। बता दें आपको, जब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी बसों के चक्का जाम के लिए बसों के आगे लेट गए, उसी समय प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और बसों को सुचारू रूप से चालू करा दिया। जीएम भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट यूनियन के पदाधिकारियों ने तोड़ दी और बसों की हवा भी निकाल दी, लेकिन उन्होंने पुलिस की मदद से यूनियन की हड़ताल को विफल कर दिया है और सुचारू रूप से बसें चल रही हैं। फरीदाबाद डिपो में यूनियन के जो कर्मचारी हैं, यूनियन के पदाधिकारी खास तौर पे, जिन्होंने पिछले कई महीनों से इस अड्डे में स्ट्राइक कर करके, हड़ताल कर करके सरकार का बहुत नुकसान किया था, पिछले 2 दिन से इन्होंने फिर से स्ट्राइक कर दी। 15 तारीख शाम को 3 बजे के आसपास इन्होंने स्ट्राइक घोषित कर दी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अघोषित स्ट्राइक कर दी, क्योंकि इनके अनुसार वो 16 तारीख से होनी थी और उन्होंने फरीदाबाद में प्रीपोन कर दी। अब इस स्ट्राइक को रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस का बहुत हैवी बंदोबस्त किया और कुछ ही मिनटों के अंदर इन सारे पदाधिकारियों को अरेस्ट करके कस्टडी में ले लिया और इस समय फरीदाबाद की सारी बसें बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। सुबह से एक भी बस ऐसी नहीं है जो टाइम पे ना निकली हो, सभी बसें टाइम पे निकल रही हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से हमारा यातायात चल रहा है।